हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर मेकर्स एकेडमी। मैं शादाब आज आपके लिए आया हूं नंबर सिस्टम में कि हम जीरो ऑफ नंबर कैसे निकालेंगे, यानी एक इक्वेशन के अंदर हम नंबर ऑफ जीरोस को फाइंड करने वाले हैं आज की क्लास में। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि प्लीज वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा कर दें, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को सब्सक्राइब कर ले। देखो, नंबर ऑफ जीरोस निकालने से पहले नंबर ऑफ जीरोस निकालने की जरूरत क्यों पड़ती है, यानी बहुत सारे एग्जाम ऐसे हैं जहां हमें नंबर ऑफ जीरोस की जरूरत पड़ती है। देखो, एक चीज बता रहा हूँ, सबसे पहले जो हम लोग नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए हम लोगों को जरूरत क्या क्या होती है। नंबर ऑफ जीरो जब हम निकालते हैं तो हमें दो फैक्टर चाहिए। वो फैक्टर कौन कौन से हैं? देखो, पांच रिक्वायरमेंट जिसकी है, देखो रिक्वायरमेंट जीरो बनाने के लिए किस किस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। यानी सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एक तो मुझे टू चाहिए यानी दो, एंड सेकंड नंबर जो होगा वो मुझे क्या चाहिए, फाइव। क्योंकि जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं टू इंटू फाइव तो ये क्या होता है, टेन। यानी एक दो और एक पांच, इन दोनों का एक पेयर मिलके क्या बनाता है, एक जीरो बना देता है। इन दोनों का पेयर मिलने के बाद क्या बना देता है, एक जीरो बना देता है। तो सबसे पहले जो जरूरत है, जो हमें पेयर बनाने हैं टू के और फाइव के पेयर बनाने हैं किसी भी इक्वेशन के अंदर, यानी इंपॉर्टेंट चीज जो है, हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है जो फैक्टर है अपनी इक्वेशन को टू के और फाइव के टर्म में तोड़ना है, यानी जिसमें ब्रेक करना है टू के और फाइव के फैक्टर में उसे ब्रेक करना है। देन उसके बाद हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारी इक्वेशन में कितनी जीरो आएंगी। ठीक है, बढ़ते हैं बाकी। देखो, एक मैं छोटी सी इक्वेशन लिख रहा हूं, सबसे पहले छोटी सी क्या, एक नंबर, यानी देखो वन टू इंटू फोर इंटू सेवन इंटू एट इंटू टेन इंटू फिफ्टीन। देखो, ये कोई भी हमारी क्या है ना, तो ए पी है ना जी पी, यानी हमारे जो है रेगुलर नंबर तो नहीं है, लेकिन ऐसी इक्वेशन को हम कैसे तोड़ेंगे। ऐसी इक्वेशन को तोड़ने के लिए अपने पास देखो टू कितना आ रहा है यहां से, वन, देन यहां भी कितना आया, टू, टू इंटू टू लिख सकते हैं, यानी कितनी बार, दो बार। देन यहां से अगर मैं बात करूं, एट होता है टू दी पावर थ्री, कितना, एट होता है टू दी पावर थ्री, यानी टू को हम अगर लिखे तो टू इंटू टू इंटू टू तीन बार लिख सकता हूं, यानी टू इंटू टू इंटू टू, यानी टू दी पावर थ्री। टू दी पावर थ्री का मतलब टू कितनी बार आया अपना, तीन बार आया। अब देखो यहां से अगर तोड़े तो सिंपल सा कितना होता है, दो पंजे दस, यानी एक जीरो ऑलरेडी आ गई, यानी दो गुना पांच। ठीक, अब उसके बाद यानी वन तो फाइव और वन ही टू, यानी यहां से अगर बात करूं तो तीन पंजे पंद्रह, यानी फाइव थ्री सा फिफ्टीन, कितना, सिंगल तो मुझे पांच मिल रहा है और एक मिल रहा है तीन। अभी मैंने क्या कहा था, बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है अपनी, ध्यान से सुनो, बेसिक रिक्वायरमेंट। अब बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट हमारे पेयर होने चाहिए। देखो यहां से वन और टू थ्री, थ्री और थ्री सिक्स, सेवन, अपने पास जो टू के टोटल फैक्टर आए वो आए हैं सेवन, यानी टू के जो टोटल फैक्टर सेवन आए, लेकिन फाइव की अगर मैं बात करूं तो वन एंड वन टू, यानी फाइव के जो टोटल फैक्टर आ रहे हैं केवल और केवल कितना आ रहे हैं, फाइव के फैक्टर, फाइव के फैक्टर आ रहे हैं, फाइव के फैक्टर कितना आ रहे हैं, दो आ रहे हैं बस फाइव के फैक्टर। तो फाइव के जो फैक्टर आए केवल दो आए हैं। अब यहां से इसके बाद देखो, हमारी जो नंबर ऑफ जीरोस होगी, नंबर ऑफ जीरोस वो होगी जो भी हमारा सबसे कम फैक्टर होगा, इट मीन्स मिनिमम नंबर, जो भी मिनिमम होगा, टू हमारा ज्यादा है लेकिन हमारी नंबर ऑफ जीरोस सेवन नहीं होंगी, नंबर ऑफ जीरोस दो होंगी। क्यों, क्योंकि पांच हमें क्या चाहिए था, पेयर चाहिए था, पेयर, और पेयर कितने बने हैं, केवल दो ही पेयर बन पाए हैं, तो इसका मतलब नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू टू, ये आंसर होगा। देन इट इज ओके, क्लियर। अब एक और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं, यानी अगर कोई भी नंबर ले, जैसे कि मैं कोई भी एक नंबर ले रहा हूं, उसे कैसे करेंगे, जैसे सबसे पहले 25 इंटू 65 इंटू 20 इंटू 10 इंटू 5 इंटू 37 इंटू 81। ठीक है, अब देखो इसमें चेक करना है कि नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा। देखो, एक तो सिंपल सा अपने पास क्या आ गया, नंबर ऑफ जीरोस के लिए एक जीरो आ गई अपने पास, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस ये तो एक पेयर बन गया, यानी एक जीरो तो यहाँ होगी, पेयर कौन सा बनाया, पांच गुना दो, पांच गुनी दस का पेयर क्लियर हो गया अपना। देन उसके बाद अगर यहां बात करें तो हमने पास जो पेयर है फाइव की,
पांच का स्क्वायर यानी पांच गुना पांच यानी दो पांच आ गए। यहां से अगर मैं बात करूं तो 13 पंजे 65 यानी 13 5 65। यहां से अगर बात करते हैं यानी दो टू का स्क्वायर एंड फाइव यानी टू का स्क्वायर एंड फाइव, चार पंजे 20 और चार को मैं लिख सकता हूं दो का स्क्वायर। ऐसे यहां पांच कितनी बार आया, एक बार आ रहा है पांच, इसमें हमारा कुछ भी नहीं आ रहा है, पांच भी नहीं है और दो भी नहीं है, यानी 37 तो ऐसे भी क्या एक प्राइम नंबर है। एंड इधर आओ 81 में भी हमें कुछ नहीं मिलता। देन यहां से अपने पास देखो पांच फैक्टर ऑफ फाइव, पांच के जो फैक्टर हैं टोटल पांच के फैक्टर जो आए हैं अपने पास दो तीन चार पांच और एक छह, पांच के फैक्टर कितना आया छह यानी पांच दी पावर छह। और इधर से अगर बात करूं टू दी पावर टू एंड वन, यानी दो के जो फैक्टर आए हैं दो के फैक्टर हैं अपने पास टू और वन थ्री यानी टू दी पावर थ्री। तो बॉस अब देखो यहां तक का क्लियर हुआ है अपना, यानी अब बताओगे आप कमेंट में बताइए कि नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी इस इक्वेशन के अंदर। नंबर ऑफ जीरोस की बात चल रही है कि नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी इस इक्वेशन के अंदर, तो अपने पास सबसे कम जो टर्म है बॉस वो अपने पास है टू, यानी टू की जो फैक्टर आए हैं वो सबसे कम आए हैं। देन इसका मतलब आंसर जो होगा मेरा आंसर होगा नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरो नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू थ्री। ओके देन एक चीज का और खासकर ध्यान रखना है, जब भी जिस भी टर्म में हमारा कोई भी एक पेयर मिसिंग रहता है, यानी क्या कोई भी एक पेयर अगर मिसिंग रहता है यानी अगर टू नहीं है या फिर फाइव नहीं है तो नंबर ऑफ जीरोस कुछ भी नहीं होगा, यानी नंबर ऑफ जीरोस की अगर बात होगी तो नंबर ऑफ जीरो भी जीरो होगा। देखो कैसे, यदि मैं सारे के सारे विषम यानी क्या से ले लूं विषम संख्या अगर सारी ले लूं तो उसमें क्या नंबर ऑफ जीरोस आएगा, नहीं आएगा। क्यों, देखो अगर मैं ले रहा हूं वन, वन के बाद थ्री फाइव सेवन, सेवन के बाद नाइन, इट मीन से आप कहीं तक भी लेके चले जाओ, लास्ट में चलो मान लेते हैं 99 मान लेते हैं। और स्टार्टिंग में ही बताया था कि जहां भी हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है टू एंड फाइव का मल्टीपल होना जरूरी है जीरो बनाने के लिए। किस चीज का जरूरी है, रिपीट करें मेरे साथ साथ, टू एंड फाइव के मल्टीपल का होना बहुत जरूरी है जीरो बनाने के लिए। दैट्स वाई अगर टू और फाइव का मल्टीपल नहीं आ रहा है यानी पेयर बन के नहीं आ रहा है तो हम लोग क्या नहीं कर सकते, जीरो नहीं बना सकते। रीजन जैसे टू एंड फाइव ही एक ऐसा फैक्टर है जो क्या बनाता है, टू फाइव जर टेन, टू फाइव जर टेन एंड टू फाइव जर टेन होने के बाद जीरो बनेगी और जीरो होगी वन। सो इट इज ओके क्लियर दैट अगर आपको एक डायरेक्ट क्वेश्चन दिया जाए यानी विषम संख्याओं के अंदर एक से लेके 100 तक सभी विषम संख्याओं में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो बॉस आंसर आएगा कोई भी जीरो नहीं होगा। यानी जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे जैसे 1 × 3 × 7 × 9 की जैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर ऑफ जीरोस की जो संख्या आएगी बॉस वो क्या होगी, नील होगी, यानी नंबर ऑफ जीरोस कुछ नहीं होगा। देन उसी के बाद अगर मैं नंबर लेता हूं यानी मैं सम संख्या लेता हूं, क्या लेता हूं सम संख्याएं, तो उस चीज में मैं आपको छोटी सी बात बता रहा हूं, अगर मेरे पास एक रेगुलर सीरीज है यानी क्या है रेगुलर सीरीज यदि 1 से चलती है, 1 से स्टार्ट होती है अपनी रेगुलर सीरीज, तो 1 से रेगुलर सीरीज होने में हम नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे, ये सारा का सारा जो काम था ये नहीं करना है। रेगुलर सीरीज में क्या करना है, जो सारा काम करा है वो मेहनत से जान बचानी है और वो काम नहीं करना है। देखो रेगुलर सीरीज क्या होती है, जैसे 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 इंटू 8 इंटू 9 और ये ज्यादा नहीं, बस आपकी जो सीरीज आ रही है अभी मैं कर रहा हूं उसको 20 तक, सीरीज कहां तक गई है 20 तक सीरीज को लेके गए हम लोग। मान के चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखो सीरीज को लेके गए हैं 20 तक, सीरीज को लेके गए हैं। अब देखो ऐसे में क्या करते हैं हम, जब हमारी सीरीज क्या होगी रेगुलर सीरीज होगी तो नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे कैसे, नंबर ऑफ फैक्टर यानी लास्ट का टर्म लेंगे, लास्ट टर्म क्या लेंगे, लास्ट का टर्म लेंगे और लास्ट का टर्म लेने के बाद अपना लास्ट टर्म क्या है 20 और जिसके भी जिस भी नंबर के नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हो, जैसे 3 है, अगर मुझे 3 के नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं तो अनटिल जब तक के हमें क्या करना है डिवाइड करना है तब तक वो 3 से कम ना जाए। देखो 3 से डिवाइड करना है और एक चीज और, 3 से डिवाइड ऐसा करना है कि हमें नंबर से ज्यादा नहीं जाना है, नंबर से कम रह सकते हैं लेकिन 37 जो 21 होते हैं 37 जो 21 बट हमें 21 तक नहीं जाना, ये रॉन्ग हो जाएगा।
21 तक नहीं जाना है, 21 से कम रहना है, 20 से कम होना चाहिए, यानी 3 6 में ले रहा हूं 18, 3 6 लिया है, अब देन 6 को फिर 3 से डिवाइड करना है, ये तो क्या 6 और फिर 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6 आ जाएगा, इट मींस टोटल जो फैक्टर होंगे 3 के, नंबर ऑफ फैक्टर 3 के नंबर ऑफ फैक्टर जो होंगे वो टोटल कितने होंगे, टोटल होंगे अपने 8, यानी 6 और 2 8, तो टोटल कितना गए 8 फैक्टर आ गए, कितने फैक्टर 8, 3 के टोटल जो फैक्टर होंगे इसमें यानी 3 के जो गुणज होंगे वो कितने होंगे 8 आएंगे, ये क्लियर है, लेकिन हमें निकालना क्या है नंबर ऑफ जीरो, हमें जो रिक्वायरमेंट है वो है नंबर ऑफ जीरो की, अब देखते हैं नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं, देखो अपने पास दो टर्म, यानी सबसे पहले क्या निकालेंगे, देखो सिंपल सी बात है, जब अपनी रेगुलर सीरीज होगी तो ज्यादा ध्यान नहीं लगाना है, क्यों, क्योंकि दो तो बहुत बार आएगा, दो क्या आएगा बहुत बार आएगा, तो ऐसी सीरीज में हम लोगों को करना क्या है, ऐसी सीरीज में बच्चा हम लोग करेंगे 2, जैसे 20 है तो उसे हम 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ 5 के फैक्टर अगर पता चल जाए तो नंबर ऑफ जीरोस भी हमारा क्या होगा, वही होगा जितने 5 के फैक्टर आएंगे, तो हमने कितनी बार डिवाइड करा 4, 5 4 जा 20, इट मीन्स 4 तो ऑलरेडी ही 5 से कम है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस क्या हो गया, नंबर ऑफ जीरो अपना आ गया कितना 4, और यही क्या है आंसर है, देखो इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़े तो हमने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 एंड ये जो आएगा अपना 100 तक लेके जा रहा है, एक बार टाइम दे रहा हूं मैं तुम लोगों को भी, एक बार प्लीज सोल्व करें खुद से, देखते हैं आंसर किस किस का सही आएगा, एक बार सोल्व करें प्लीज डू फास्ट, देखो जब तक तुम खुद नहीं करोगे बॉस, कोई तुम्हारे माइंड के अंदर फिट नहीं कर सकता है, यानी तुम्हारे माइंड में एक एसडी कार्ड नहीं लगा हुआ है कि कोई उठाएगा और कॉपी पेस्ट कर देगा, पढ़ना तो खुद को पड़ेगा, क्योंकि सिलेक्शन किसे चाहिए, सिलेक्शन तुम्हें चाहिए, और सिलेक्शन दिलाने के लिए सिर्फ हम गाइडलाइंस कर सकते हैं, यानी पढ़ा सकते हैं लेकिन पढ़ना तुम्हें खुद पड़ेगा, तो चलिए देखते हैं अभी, मैंने भी क्या बताया था कि हम जो लेंगे लास्ट नंबर लेंगे, और लास्ट नंबर में जब भी मेरी रेगुलर सीरीज होगी, अब रेगुलर सीरीज में करना क्या है, रेगुलर सीरीज में हमें निकालना है नंबर ऑफ फैक्टर, और नंबर ऑफ फैक्टर हम किसके निकालेंगे जिसके भी मिनिमम होंगे, यानी अगर मैं 5 के फैक्टर निकालूं, किसके निकालना है नंबर ऑफ फैक्टर निकाल रहा हूं, और मैं 5 के निकाल रहा हूं, तो 100 कितना 100, देखो 100 को किससे डिवाइड करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, 100 को, 100 को किससे डिवाइड करना है 5 से, तो 5 से मैं डिवाइड करता हूं तो कितना आएगा 5 दुनी 10, कितना आ गया टोटल 20 आ गया, टोटल 20, लेकिन एक बात और बताई थी कि जब तक 5 से कम ना जाए तब तक डिवाइड करते रहो, जब तक 5 से कम ना जाए तब तक डिवाइड करते रहो, और 5 को फिर 20 को 5 से डिवाइड करो, और 5 चौक 20, यानी टोटल नंबर ऑफ जीरो, टोटल नंबर ऑफ जीरो जो आ रहे हैं अपने कितना आया 24, टोटल नंबर ऑफ जीरो आया 24, ठीक है क्लियर है, टोटल नंबर ऑफ जीरो 24, एंड इसी के बाद एक और इंटरेस्टिंग सी बात, ये हो गया है भाई क्वेश्चन में तुम लोगों को दे रहा हूं, देखते हैं आंसर कितनों का सही आएगा, आंसर कितने स्टूडेंट कितने बच्चे सही करते हैं, देखो यहां था 1 से लेकर 100 तक निकालने थे, यानी 1 मल्टीप्लाई 100 तक के जाना था, उसमें नंबर ऑफ जीरोस बताना था, एंड उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 × 2 × 3 × 4 × 5, इट मींस ऐसे ही ये जाएगा आपका 200 तक, कहां तक लेके जाना है 200, देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर देते हैं, ऑप्शन दे रहा हूं मैं, ऑप्शन नंबर 1 48, ऑप्शन बी 49, ऑप्शन सी 50 एंड ऑप्शन डी 52, देखो यहां गलती होने के चांसेस क्या होंगे, यहां पर जो गलती होने का चांसेस होगा वो चांस क्या होगा, देखो जिस किसी को आता है क्या निकालना, 1 से लेकर 100 तक आता है, लेकिन वो जल्दीबाजी में मिस्टेक क्या कर सकता है, ध्यान से सुनिए, जल्दीबाजी में मिस्टेक क्या करेगा, वो मे भी हो सकता है 48 को टिक कर दे विदाउट निकाले, क्या कर दे 48 को टिक कर दे विदाउट अपनी कैलकुलेशन करे, जो कि क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा, तो क्या होगा रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज उसका भी देखते हैं अभी, देखो टोटल कितने थे अपने पास
200, और 200 को यदि मैं 5 से डिवाइड करूं, चलो स्टार्ट करते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं, कितनी बार कटेगा, 4, कितना हो गया टोटल, 40 आ गया है, ठीक है, कितना है टोटल, 40, अभी फिर से 40 को डिवाइड करते हैं, फिर से किससे डिवाइड करते हैं, 5 से करते हैं 40 को डिवाइड, तो कितना आ गया है बॉस, 8 आ गया। अब 8 को भी डिवाइड करना है किसे, 5 से डिवाइड करना है 8 को, तो फिर कितना आएगा, 8 डिवाइड बाई 5 इट मीन्स 1, तो टोटल जो हमने आए कितने आ गए, 48 और 1 टोटल आ गया 49, तो ठीक आंसर क्या होगा अपना, 49 होगा, और ये क्या होगा, रॉन्ग होगा, ऐसे ही टिक कर लेना, बिकॉज जो चीज हम लोग गलत पढ़ते हैं ना, यानी एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, अगर तुम्हारे कोई चांटा मार दे तो वो हमेशा याद रहेगा, यानी आंखों में खटकता रहेगा, लेकिन अगर कोई प्यार करे तो मे बी आप उसे भूल जाओ, तो इसलिए अगर कोई चीज गलत हुई है उसे सारा काट के फाड़ के फेंकना नहीं है, उसे क्या करना है, ऐसे बॉक्स में बनाओ, लिख दो गलत हुआ है, क्या हुआ है, गलत हुआ है, क्योंकि ये याद रहने वाला है। अब देखो उसके बाद 200 तक की बात हुई, देन अगर 300 की बात हो, 300, 400, 500 कुछ भी आ जाए, तो हम क्या करेंगे, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 200 अगर यहां पे मैं ले लूं, 400 क्या ले रहा हूं, 400 देखते हैं, 400 में जीरो, यानी नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, अगर 1 टू 400 तक जाते हैं तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे अपने पास, तो 400 डिवाइडेड बाय 5 कितनी बार कटेगा, 80, देन 80 को फिर से डिवाइड करेंगे, वो भी किससे करना है, फिर से 5 से डिवाइड करना है, तो कितना है, 16, 5 बचते हैं 3 यहां से, तो टोटल कितने हो गए, 6, 30 हो गए, 5 30, फिर से करेंगे 16 को डिवाइड, यहां से कितना मिला है, 5 3 15, यानी 3, यानी टोटल अगर नंबर ऑफ जीरोस, टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितना है, 80 और 16 96 और 3 टोटल आ गए हैं 99, यानी टोटल नंबर ऑफ जीरोस 99 बने हैं अपने, कितने बने हैं, 99, यानी 99 नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो देखो अभी जो फाइंड आउट करा है, यानी 1 2 100 48, 1 2 200 49, इट मींस 1 200 49 एंड 1 2 400 में जो आए हैं अपने पास वो निकल कर आए हैं 99। देन एक चीज देख लेते हैं अभी, यानी 1 2 कितना, 1 2 300 में कितना आएगा, तो यहां पे डिस्कस करते हैं 1 2 300 में कितना आएगा, तो हमें कितना लेना है पूरा, 300 डिवाइडेड बाय 5, 5 से कितनी बार जाएगा, 6, कितना, 6 बार गया, देन यहां से कितना बचा अपना, यानी टोटल हो गया 60, अब 60 को फिर 5 से डिवाइड करना है, कितना आ रहा है टोटल, 12, एंड फिर 12 को फिर 5 से, तो टोटल आ गया है 2, यानी 12 और 2 14, 14 और 60 कितना, 74, 1 2 374, ये क्लियर, क्लियर है यहां तक, किसी को कोई भी डाउट, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो तुम कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ध्यान में फिर से दे रहा हूं अपना टेलीग्राम नंबर एंड व्हाट्सएप नंबर, जिस किसी को जो भी प्रॉब्लम, आप टेलीग्राम पे जाके भी सेंड कर सकते हो मैसेज, एंड व्हाट्सएप पर कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे हमारे कोई भी टीचर पढ़ा रहे हैं, कुछ भी पूछना हो, सारे टीचर आपको दिलो जान से पढ़ा रहे हैं, तो आप व्हाट्सएप नंबर है 9756212142, आप इस पर कोई भी मैसेज छोड़ सकते हो, एंड इट्स ऑल्सो टेलीग्राम नंबर, यानी व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम नंबर यही है, व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम, व्हाट्सएप और टेलीग्राम नंबर यही है, ठीक, आप इस पर कमेंट छोड़ सकते हो। देन बढ़ते हैं फिर आगे की तरफ, देखो ये काम हुआ, अब उसके बाद जो हम सीरीज लेंगे वो सीरीज कैसी लेंगे, देखो मैंने तुम्हें दोनों तीनों चीजें बता दी हैं, क्या क्या बताया कि अगर हमारी सीरीज क्या होगी, सारी की सारी हमारी विषम संख्या आ जाए तो नंबर ऑफ जीरोस नहीं बनेगा, और यदि सम संख्याएं हो तो हम सबसे पहले जो फाइंड आउट करेंगे फैक्टर, हमें देखना क्या है, हमें फैक्टर देखना होगा सिर्फ 5 का, यानी मिनिमम फैक्टर निकालना है 5 का, क्योंकि 5 का और 2 का पेयर मिलने के बाद एक जीरो बनती है, तो जो भी हमारे सबसे कम फैक्टर बनेंगे वही हमारा नंबर ऑफ जीरो होगा। देन अगर एग्जाम में तुम्हारे एक सीरीज ये वाली आ जाए,
अब देखो सीरीज कौन सी, यानी रेगुलर सीरीज ना हो, सीरीज रेगुलर ना हो यानी बीच में से दे रखी हो, बीच में से कैसे, जैसे दे दिया 405 गुना 406 गुना 407 गुना, और इसको लेके चले गए वो 504। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, मैथ के टीचर हैं और आप लोग मैथ के पंडित हो, यानी मैथ सीख रहे हो तो मैथ तो आता ही है, और मैथ ही एक ऐसा है यानी एजम्पशन चलती है अपनी, यानी माना, यानी माना सब कुछ पॉसिबल है मैथ में। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे, देखो ये अपने पास रेगुलर सीरीज तो नहीं है ना, इट इज नॉट ए रेगुलर सीरीज, बट इसे रेगुलर कैसे बनाएंगे, हम स्टार्ट करेंगे यानी 1 से 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 एंड हम जाएंगे 404 तक। अभी अपने पास दो सीरीज हो गई है, पहले हम लोग क्या करेंगे 1 टू 504 तक नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे 5 के, किसका नंबर ऑफ फैक्टर, किसके 5 के नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं 504 को डिवाइड करेंगे 5 से, यानी कितनी बार होगा देखते हैं, 5 × 5 = 5, 0 का 0 और यहां से फिर से 0, यानी टोटल कितना कटा 100 बार कट गया, टोटल कटा है अपना 100 बार। देन उसके बाद फिर 100 को फिर से काटेंगे, क्योंकि 5 × 100 = 500, तो फिर से 5 से कितनी बार कटेगा 20 बार, और 20 को फिर 5 से तो टोटल कटेगा अपना ये 4 बार। देखो अगर 1 से लेके यानी 1 मल्टीप्लाई यानी 1 से अगर स्टार्ट करें, कहां से करना स्टार्ट, अगर मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूं तो मेरी जो मल्टीप्लाई 504 तक जा रही है, तो आंसर मेरा नंबर ऑफ जीरो आ रहा है 124 आ रहा है बॉस, आंसर कितना रहा है 124। लेकिन उससे पहले मेरे पास एक सीरीज नहीं थी, अब वो सीरीज कौन सी नहीं थी, यहां से इससे पहले की सीरीज नहीं थी। अब ये भी चेक करना है, अब सेकंड टर्म में हम लोग क्या करेंगे, सेकंड टर्म में हम लोगों को करना क्या है, सेकंड टर्म में 404 को चेक करेंगे, यानी 404 डिवाइडेड बाय 5, 5 × 8 = 40, यानी टोटल कितना आ गया 80 आ गया, और फिर से 80 को फिर डिवाइड करेंगे 5 से, तो 80 डिवाइडेड बाय 5 इट मींस 16, यानी 16 × 5 = 80। देखो कैलकुलेशन जब करते हैं ना, जब हमारे पढ़े याद हो, एक चीज और, कम से कम 1 से लेकर 20 तक पढ़े याद होने चाहिए, मुझे पता है नहीं होंगे, लेकिन जब तुम प्रैक्टिस करोगे तो पढ़े खुद से खुद याद हो जाएंगे। फिर 16 को 5 से कितनी बार 3 बार, यानी टोटल नंबर ऑफ जीरो की अगर बात करें तो टोटल नंबर ऑफ जीरो कितना है यहां से 99, यहां से मिला है 99, लेकिन आंसर जो चाहिए था वो चाहिए था 504। अब देखो यहां अगर ऑप्शन की बात करें, अगर टीचर थोड़ा सा साथी रहो यानी माइंडेड हो तो ऑप्शन कैसे देगा, पहला ऑप्शन देगा वो ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो आएगा 124, एंड ऑप्शन बी की अगर बात करें तो ऑप्शन बी आएगा 99, एंड ऑप्शन सी की अगर बात करें तो ऑप्शन सी आएगा अपना 223। लेकिन एक लास्ट ऑप्शन जो होगा, तो लास्ट ऑप्शन होगा हमारा 25। अब यहां से चेक करना है आंसर क्या होगा, 25 होगा या फिर 223 होगा, 99 होगा या फिर 124 होगा। अब देखो आंसर, अपने पास जो सीरीज थी यानी अपना क्या था, अपना तो ये था यहां से बॉस 405 से 504 तक, लेकिन हमने किसी और का भी लिया बॉस, अब जिसका लिया है उसका वापस भी देना है, जिसका लिया है उसका वापस देना है, इट मींस 1 to 404 तक दूसरे का लिया है तो उसको वापस करना पड़ेगा यानी घटाना भी पड़ेगा, तो 124 - 99 तो आंसर आएगा 25, यानी नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी 25 होगी, क्योंकि सीरीज कहां से कहां तक थी अपनी, सीरीज यहां से यहां तक थी, तो आंसर क्या आएगा 25 आएगा, नंबर ऑफ जीरो 25। इसके बाद एक और टॉपिक, नंबर ऑफ फैक्टोरियल, जैसा फैक्टोरियल होता है तो फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं फैक्टोरियल और फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो कैसे निकालते हैं, इरेज करो ये, आओ बस देखते हैं।
सबसे पहले जो मैं लिख रहा हूँ, अब लिख क्या रहा हूँ, सबसे पहले देख लो ध्यान से, फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का मतलब होता क्या है? देखो मैंने लिखा पांच का फैक्टोरियल, क्या लिखा? पांच का फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल को खोलते कैसे? सबसे पहली चीज ये पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल होता क्या है। फैक्टोरियल इज अ सीरीज, फैक्टोरियल इज अ सीरीज। क्यों? देखो पांच गुना चार गुना तीन गुना दो गुना एक, क्या आएगा? ये ऐसे खुलेगी तुम्हारी सीरीज। कैसे खुलेगी? पांच गुना चार गुना तीन गुना दो गुना एक, इट मीन्स ये क्या हो गया, सेम सीरीज हो गई है। बस क्या करना है, थोड़ा सा इसको खोलते हैं, लेकिन ऐसा हम नहीं करेंगे क्योंकि डायरेक्ट आंसर निकालना है। क्या करना है? डायरेक्ट आंसर निकालना है। लेकिन फैक्टोरियल के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं, फैक्टोरियल के बारे में इंटरेस्टिंग बात क्या है, अगर तुम्हें कहीं भी एक चीज दिखी हुई मिल जाए क्या फैक्टोरियल जीरो, तो इसकी जो वैल्यू होगी, फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू होगी, यानी फैक्टोरियल जीरो की जो वैल्यू होगी वो वन होगी। क्या होगी? वन होगी। इट मीन्स बढ़ता है आपके अपना 5 × 4 × 3, इट मीन्स देखो यहां पे क्या करना है, 5 को डिवाइड करना है 5 से, और दूसरा 5 को डिवाइड करना है 5 के स्क्वायर से, और जो भी आएगा जितना भी आएगा कट के वही हमारा नंबर